प्यारे बच्चों कैसे हो आप। तो प्यारे बच्चों ये जो वीडियो है वो आपका आज जो क्लास थर्ड फोर्थ फिफ्थ का स्माइल का होमवर्क आया है मैथ का, ये वीडियो उसके लिए है। तो बच्चों सबसे पहले आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ पर दिनांक लिखनी है। आज का जो हमारा अधिगम क्षेत्र है वो संक्रियाओं की समझ है, यानी कि हम गुना करना सीखेंगे। और अधिगम बिंदु है गुना की आरंभिक अवधारणा से परिचय, मतलब आज आपको गुना क्या होता है आपको ये पता चलेगा। देखो बच्चों इस बॉक्स में हमारे पास पक्षी दिए हुए हैं, गिनिए जरा कितने पक्षी हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। तो यहां हमने लिख दिया 9। अब नीचे देखिए एक बॉक्स में 3 लिखा हुआ है, 3 और फिर 3 और फिर 3, इनको जोड़िए 3 और, जैसे यहां जोड़कर देख लीजिए 3, 3, 6 और 3 कितना आता है, 9 आता है। अब 3 का 3 से गुना करना है, 3 का पहाड़ा बोलिए 3 तक, 3 एकम 3, 3 दुना 6 और 3 तिया 9। तो आपने क्या देखा बच्चों कि अगर हम 3 को 3 बार जोड़ते हैं या 3 का 3 से ही गुना करते हैं तो उत्तर कितना आता है, 9 आता है। एक और उदाहरण हम देखते हैं, देखिए इस उदाहरण में हमें चाबी दी गई है, तो हम पहले चाबियां गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो आपको चाबियां गिननी आती है ना, आ गई 12 चाबी। अब यहाँ पे हमें इस बॉक्स में लिखना कितनी चाबियां हैं, 4 चाबियां, यहां भी लिख दिया हमने 4, यहां भी हमने 4 लिख दिया और यहां भी हमने 4 लिख दिया। फिर इन 4 4 का हम जोड़ कर लेते हैं, जब आप इन 4 का 3 बार जोड़ करेंगे उत्तर आएगा 12। आप जोड़कर देख लीजिए। अब यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम 4 को 3 से गुना कर देते हैं। एक बॉक्स में है 4 और कितने बॉक्स हैं, 3 बॉक्स हैं, तो हमें लिखते हैं 4 एकम 4, 4 दुनिया 8 और 4 3 12। अब हम ताले गिनते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कितने ताले आए हमारे हाथ में, 20। अब नीचे एक बॉक्स में कितने ताले हैं, 5 5 ताले हैं, तो हम यहाँ पे 5 5 लगा देते हैं और फिर हम जोड़ करते हैं 5 5 5 और 5। जब आप जोड़ करेंगे तो उत्तर आएगा 20। जोड़कर आप देख लीजिए, मुझे बताइए आपका 20 उत्तर आता है या नहीं आता है। 20 यहां लिख दिया मैंने। अब मैं इसको यहाँ पे लगाता हूं कि हमने यहाँ पे क्या लिखना है, कितने एक बॉक्स में कितने हैं, 5, कितने बॉक्स हैं, 4 5 चौका 20। अब ये गुना सारणी है, इसमें आपको पहाड़ों को पूरा करना है। जब हम 10 का गुना 1 से करते हैं तो कितना आता है, 10। 10 का गुना 2 से करते कितना आता है, 20। 10 का गुना 3 से करते कितना आता है, 30। ये बच्चों यहाँ पे ये गलत बना हुआ, ये यहाँ यूं आएगा 10, ये 30 और फिर आएगा 40। तो अब यहाँ पे मैं बाकी आपको करके दिखाता हूँ। 10 का गुना हमने 4 से किया तो आएगा 40। 10 का गुना हमने 5 से किया तो आएगा 50। 10 का गुना 6 से किया तो आप भी बोलिए 10 6 60, 10 7 70, 10 8 80 और 10 9 90 और 10 का पहाड़ा हम 10 तक बोलते हैं तो आता है 100। अब देखिए 30 के बाद 40, 40 के बाद 50, 50 के बाद 60, 60 के बाद 70, 70 के बाद 80, 80 के बाद 90 और फिर ये 100। तो मैं यहां पर आपको रेखा पूरी करवा देता हूं, ये लीजिए, ठीक है। अब हमें करना है कि गुना के रूप में लिखना है, 4 बार 5, कितनी बार 5, 4 बार 5 हमने लिख दिया और इसको हमने गुना भी लिख दिया, 3 बार 7, तो हमने 3 बार 7 लिखा, यानी कि 3 गुना 7, 5 बार 3, यानी कि हमें ऐसे करके 3 5 बार लिखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 5 बार 3, यानी कि 5 बार 3 का आप कर दिए 5 बार 3, 7 बार 2, तो 7 बार 2 कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। अब हमें क्या करना है, 7 बार 2
दो बार नो, एक बार नो और दो बार नो, यानी कि दो बार नो। अब अगले कार्य पत्रक भी हमें एक साथ दो कार्य पत्रक दिए गए हैं, आज हम इसको देखते हैं। तो आज आपके होमवर्क में यहाँ पे फिर वही, आप अपना नाम और अपनी दिनांक लिख लीजिएगा जिस डेट को आप ये कर रहे हो। पत्तियों में लिखी संख्या को जोड़कर बीच में लिखिए और रंग भरिए। तो बच्चों ऐसे आप जोड़ के देखो, 1 2 3 4 5 6, आप इनको जोड़ करेंगे तो 6 का पहाड़ा बोल लीजिए अगर आपको याद नहीं, तो जोड़ कर लीजिए, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, 24 6 30, 30 और 6 36। तो बीच में हमने क्या लिखा हुआ है, 36। अब एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार हमें 9 लगाना है, 1 2 3 4, और इनका जोड़ कीजिए, 9 और 9 18, 18 9 27, 27 और 9 36। इसी तरह से हमें 3 बार 12 लिखना है, जोड़ लीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, 1 2 और 1 3, जोड़ कीजिए, 2 4 और 2 6 और 3 का 3। इसके बाद में आप करिए 1 2 3, गिनते रहिए, 1 2 3 4 5 6, 3 4 5 6, और फिर इसका जोड़ कीजिए, 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 4 16, 16 4 20, 20 और 4 24, 1 2 3 4, 6 बार 4 लिखना है, 1 2 3 4, और जोड़ कीजिए, 6 और 6 12, 6 18, 18 और 6 24, 8 का करिए, 1 2 3, और जोड़ कीजिए, 8 और 8 16, 16 और 8 24। अब यहाँ पे हमें देखना, 1 2 3 4 5 6, 6 बार 8 लिखना है, 1 2 3 4 5 6, और जोड़ कीजिए, 8 और 8 16, 16 और 8 24, 24 8 32, 32 8 40, 40 8 48। चाहे आप 8 का पहाड़ा 6 तक बोल लीजिए। अब 12 गिनिए, 1 2 3 4, 4 बार 12 लिखना है, 1 2 3 4, जोड़ कीजिए, 2 4 6 और 2 8, 1 2 3 4, 1 2 3, 3 बार 16 लिखना है, 1 2 3, जोड़ कीजिए, 6 और 6 12 और 6 18, हासिल पाई 1, 1 2 3 और 1, हासिल का 4, उत्तर आएगा 48। अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने जो ये पत्तियां हैं इनमें रंग भरना है। तो बच्चों देखो, मैं आपको फटाफट 1 2 पत्तियों में रंग भर कर दिखा देता हूं, इस तरह से आप भी इन पत्तियों में रंग भर लीजिएगा। रंग भरने के बाद आप अपनी मैडम जी, अपने सर को दिखाइए, वो भी बड़े खुश होंगे कि वाह बच्चा कितना अच्छा है, उसने कितना अच्छा से काम किया है। तो इस तरह से आप सारे जो ये वर्कशीट है इसे आप कंप्लीट कर लेना बच्चों। और अगर आपको बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा हो तो फटाफट इस वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना, ताकि वो भी अपना होमवर्क पूरा कर सके। और बच्चों हमने पीछे जो वर्कशीट्स है ना वो भी बना रखी हैं, अगर आपने वो वर्कशीट्स पूरी नहीं की हैं तो आप वो भी पूरी कर लेना। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।